अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। पीछे हमने रेजोनेंस ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्म करा था। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का रेजोनेंस यहाँ पर फॉर्म करना है। तो देखो क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल नेक्स्ट रेजोनेंस बनाओ।
नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एच एक लोन पेयर और दूसरा चार्ज। अब इस बॉन्ड को ब्रेक आउट करना तो ये बॉन्ड ब्रेक आउट होकर क्या आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और यहां पे आगे बढ़ते हो तो जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा देन फॉर्म द डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और यहां पे आगे नाइट्रोजन पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ठीक है या अगर आज रेजोनेंस होगा उसके अंदर फर्स्ट कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक आउट कर दो तो यहां पे आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव और यहां पे आ गया तो इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और अटैक करने के बाद इट फॉर्म द डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और भी एच ठीक है यहां पे डबल बॉन्ड और मैं ये डबल बॉन्ड एच दिस था ना हमने यहां पे लिखा नहीं है ये डबल बॉन्ड यहां पर ना और ये एन पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव डबल बॉन्ड सही है ये यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और तो माइक्रोफिलो के तौर पर फॉर्म तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहे देखो 1 2 3 4 5 6 ठीक है 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें फॉर्म हो रहे चाहे पहला माइक्रोफिलो की बात कर लो चाहे ऑर्थो माइक्रोफिलो की बात कर लो दोनों के अंदर 6-6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रहे हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं मेटा नाइट्रोफिनोल की तो मेटा नाइट्रोफिनोल पे देखना रेजोनेंस ऑफ मेटा नाइट्रोफिनोल देखो मेटा नाइट्रोफिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेटा पे लगा दो नाइट्रो ग्रुप ठीक है तो सबसे पहले क्या करो भाई फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक आउट करना तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव तो जैसे फर्स्ट कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आया तो ये ऑक्सीजन का एक लोन पेयर कार्बन के टाइप पे कनेक्ट करेगा एंड इट फॉर्म द डबल बॉन्ड तो भाई क्या आ गया ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाते हैं यहाँ पे एक लोन पेयर बचा और एक पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ चुका क्योंकि ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर डोनेट कर दिया यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और भाई डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाता है प्लस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सही है चलो नेक्स्ट रेजोनेटिंग की बात करें तो अब जो तीसरे नंबर चौथे कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक आउट करोगे तो यहाँ पे आएगा लोन पेयर और उसे एयर पेयर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आगे ठीक है समझ आ रहा है तो जैसे तीसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इस तीसरे कार्बन पे कनेक्ट होगा एंड इट फॉर्म द डबल बॉन्ड ठीक है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक लोन पेयर प्लस यहां पे डबल बॉन्ड यहां पे डबल बॉन्ड और भाई कार्बन पोजीशन पे लोन मतलब शेयर पेयर और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं और भाई यहां पे आ गया एंड प्लस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सही है अगला स्ट्रक्चर बनाओ तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पांचवें और छठे कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक आउट करना तो यहाँ पे आ गया सिक्स पे नेगेटिव चार्ज और फिफ्थ पे आएगा पॉजिटिव तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे कनेक्ट करेगा और इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक लोन पेयर प्लस लोन पेयर नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर है यह डबल बॉन्ड और भाई एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ठीक है और भाई यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और भाई सिक्स कार्बन पर आ गया शेयर पेयर और
तुम्हारे स्ट्रक्चर में जाओ अभी देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ये ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और फर्स्ट कार्बन पे आएगा पॉजिटिव तो जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे कनेक्ट करेगा और यहाँ पर बन जाएगा डबल तो भाई यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल यहाँ पे डबल बॉन्ड और भी यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये आ गया एन यहाँ पॉजिटिव चल रहा है नाइट्रोजन प्लस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे आया ठीक है तो ये रेजोनेंस यहाँ पे फॉर्म होता है तो भाई पेंटा नाइट्रोफिनोल में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओपन हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है देखो ध्यान दे रहा हूं ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल में 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वहां जबकि मेटा नाइट्रोफिनोल में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं क्यों हो रहे हैं यहां से देखा होगा देखो चाहे ऑर्थो हो चाहे पैरा हो चाहे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हो चाहे पैरा नाइट्रोफिनोल हो ऑर्थो साइड पे और पैरा साइड पे क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है जब उन्हें रेजोनेंस बनाया तो ध्यान दिया होगा कि OH के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो साइड होगी वहां पे क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं जिस वजह से ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बनता है डबल बॉन्ड तो आगे रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर शो करता है ठीक है ऑर्थो पे क्या रहा था लोन पेयर जिस वजह से ये रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेगा ठीक है ये रेजोनेंस बना रहा है इसी तरह पैरा वाले भी देखोगे कि जैसे हम पैरा नाइट्रोफिनोल का रेजोनेंस बनाएंगे तो पैरा साइड पर भी क्या आ रहे हैं शेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं तो शेयर के इलेक्ट्रॉन पैरा पोजिशन पे आ रहे हैं जिस वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होता है जबकि मेटा नाइट्रोफिनोल की बात करें तो मेटा के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है मेटा साइड पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है जिस वजह से यहाँ पे लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है अगर मान लो मेटा पे इलेक्ट्रॉन पेयर होता शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन मान लो मेटा साइड पे होता तो क्या होता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाता बट मेटा के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे आएगा या तो ऑर्थो साइड पे या फिर पैरा साइड पे मेटा पे नहीं जिस वजह से मेटा नाइट्रोफिनोल लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्टेन करेगा जबकि ऑर्थो और पैरा लार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्थो और जो पैरा नाइट्रोफिनोल का पाव होगा वो मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू मेटा क्वेश्चन समझ में आ गया कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू मेटा क्यों क्योंकि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल कंपाउंड लार्ज अमाउंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं इस वजह से मोर स्टेबल होगा और मोर एसिडिक हो गया जबकि मेटा की बात करें तो मेटा लेस अमाउंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा जिस वजह से क्या होते हैं वो लेस एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ठीक है चलो अब बात करते हैं ऑर्थो और पैरा के अंदर से लाउटम दो देखा ऑर्थो पैरा ये मोर एसिडिक है इसका मतलब टू मेटा अब बात करेंगे ऑर्थो और पैरा में से मोर एसिडिक कंपाउंड कौन से हैं सर मैं आगे वहाँ देखो पैरा और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में से
इसी ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। समझ गया? नाइट्रो ग्रुप और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है और जो कंपाउंड के अंदर वो नियर बाय ना पास में नाइट्रो ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप आपस में नजदीक हैं। नजदीक होने की वजह से जो नाइट्रोजन होगा वो हाइड्रोजन के साथ इट फॉर्म का इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जो होता है नाइट्रोजन होने उसके अंदर जो नाइट्रोजन होगा वो हाइड्रोजन के साथ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। अब हमें पता है कि जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब इन दोनों के बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट है, जिस वजह से जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होगा वो एच प्लस साइज कभी भी यहाँ से लॉस नहीं कर पाएगा। अगर लॉस करवाना होगा तो लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में जो हाइड्रोजन होगा वो नाइट्रोजन से स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट है, जिस वजह से ये कंपाउंड इजिली एच प्लस साइज को लॉस नहीं करेगा। अब यहाँ से एच प्लस साइज इजिली लॉस नहीं हो रहा तो इस वजह से क्या कहोगे कि ये जो कंपाउंड होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कंपाउंड होगा वो लेस एसिडिक कंपाउंड है एज कंपेरिजन टू पैरा नाइट्रोफिनोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में लग रहे हैं, जिस वजह से यह हाइड्रोजन एच प्लस साइज की फॉर्म में एलिमिनेट नहीं होता। जबकि पैरा की बात करूँ, पैरा नाइट्रोफिनोल के अंदर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है और जो नाइट्रो ग्रुप है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस करते हैं, लार्ज डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोक्सी एंड नाइट्रो ग्रुप, जिस वजह से यहाँ पे किसी भी टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप नहीं होता, ठीक है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा, न तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा और न ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो रहा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं है, जिस वजह से क्या हो रहा, ये जो पैरा नाइट्रो कंपाउंड है इजिली क्या करेगा, एक्स प्लस साइज को इजिली लॉस कर देगा, जिस वजह से जो पैरा नाइट्रोफिनोल कंपाउंड होगा वो मोर एसिडिक होगा एज कंपेरिजन टू ऑर्थो। फिर उसके बाद क्या आएगा? मेटा। और फिर उसके बाद क्या आएगा? समझ में आ गया? पैरा नाइट्रोफिनोल कंपाउंड मोर एसिडिक है एज कंपेरिजन टू ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्यों? क्योंकि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम होगा वो नाइट्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्ट है, जिस वजह से ये कंपाउंड एच प्लस साइज को इजीली लॉस नहीं कर पाएगा। इस वजह से ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कंपाउंड लेस एसिडिक है एज कंपेयर टू पैरा। पैरा कंपाउंड कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा, जिस वजह से इजीली क्या करेगा, एच प्लस साइज को इजीली लॉस कर देगा। तो इस वजह से पैरा नाइट्रोफिनोल कंपाउंड मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है। मेटा की बात करें तो मेटा नाइट्रोफिनोल ऑर्थो और पैरा से लेस एसिडिक है। क्यों? क्योंकि मेटा नाइट्रोफिनोल लेस अमाउंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, जबकि ऑर्थो और पैरा लार्ज अमाउंट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं इस वजह से। और फिनोल का तो कंसेप्ट पता ही होगा, फिनोल में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कनेक्ट नहीं है, जिस वजह से फिनोल के अंदर जो ऑक्सीजन एटम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिस वजह से वो एच प्लस साइज को लॉस नहीं कर पाएगा। तो फिनोल कंपाउंड क्या हो गया? लिस्ट एसिडिक नेचर, ठीक है। अब देखो एक बात हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप कनेक्ट है ना, विड्रा ग्रुप कनेक्ट है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा तो कंपाउंड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो ये क्या करेगा, इट्स ओ माइनस आई इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है नाइट्रोफिनोल हो और तो नाइट्रोफिनोल हो चाहे मेटा नाइट्रोफिनोल हो चाहे पैरा नाइट्रोफिनोल हो, इसमें माइनस आई इफेक्ट का कंसेप्ट लगेगा। माइनस आई इफेक्ट का कंसेप्ट क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप कनेक्ट है, जिस वजह से कार्बन चेन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो यहाँ पर माइनस इफेक्ट का कंसेप्ट लगा होता है, ठीक है। करो तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।